श्री अकाल तख्त साहिब तो माफ़ी मिलन तो बाद गुरदास नंगल के गुरद्वारा गढ़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर साहिब विखे साबका मंत्री सुच्चा सिंह लग्गा वालों शुकराना समागम करवाया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच अकाली वर्कर अते लोकां ने शमूलियत की। इस मौके उन्होंने कहा कि अकाली दल इस वक्त बड़े माड़े समय विचों लंघ रहा है अते अकाली दल नूं एजेंसियां समेत धर्मचंद डोगरा वर्गे लोगों ने घेर रखा हुआ है, पर फिर भी इस मुसीबत की घड़ी विच अकाली दल नूं मजबूत करन दे समागम है। गुरदास नंगल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्थान पर अखंड पाठ करवा के गुरु का धन्यवाद किया वा कि एक मुसीबत विचों निकल के बाहर आए हैं। मैं संगत का भी धन्यवाद करना वा जिहड़े सवेर तो ही लामडोर लगी हुई है, तकरीबन पुराने अकालियों तो लैके नौजवानों तक 10,000 लोग जिहड़े ने वो गुरद्वारा साहब विच मत्था टेकन आए ने। बतौर अकाली दल दे वर्कर हुंदे होया मैं उन्हां दा सारिआं दा धन्नवाद करना वा। मैं जिथे इस वेले अकाली दल नूं बहुत वड्डियां एजेंसियां ने घेरा पाया होया वा, इस मुसीबत की घड़ी विच छाती डाह के काम करांगा बतौर अकाली दल का सिपाही। मैं पहला इस तो भी थले अकाली दल एक बार चला गया सीगा, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने साडे जिले विचों जयदार सेवा सिंह सेखवां, निर्मल सिंह कालों, बलवीर सिंह बाठ दास ने बहुत वड्डी मेहनत की। उस वेले उंगलों ते गिणन वाले अकाली दल विच रह गए सीगे, अमृतसर तो डॉक्टर रतन सिंह ते अपने ब्रह्मपुरा साहब, कुहाड़ साहब, कुलदीप सिंह वडाला, प्रकाश सिंह मजीठा, ये एक जरनैला वांग सरदार प्रकाश सिंह बादल दे नाल खड़े हो गए। जदों के अकाली दल दी मुढ़ली इकाई तक के लोग छड के चले गए सी, इन्होंने मेहनत की थी। तई सारिया ने दो बार असी अमृतसर गुरदासपुर तो 100% रिजल्ट दिता ते सरकार बनाने विच बादल साहब भी कामयाब रहे। अज मैं समझना उस सरकार बनाई हुई नहीं, लंबा समा जिहड़ा वा बादल साहब नूं शक्ति दित्ती राज करन दा मौका दिता। अज उन्हां उस टीम दे विचों मैं समझना ही 2-3 जणे रह गए हाँ, बाकी सारे जिहड़े इस संसार तो चले गए ने। मैं हुण अपनी रहिंदी जिंदगी पुराने लीडरां नूं घरां विच बैठिआं नूं उन्हां नूं छाती नाल लावांगा, उन्हां दे चरणां दा ओट आसरा लवांगा ते 35 साल तो जिले दे जिहड़े प्रधान बणे ने नौजवान यूथ उह सारे दे सारे मेरे नाल चट्टान वांग अज भी खड़े ने, इत्थे आए ने। जिला परिषद 2 वारी चेयरमैन बने ने, वह भी इस संगत दे विच आए ने। मैं समझना जिहड़ी आने वाली साड़ी पनीरी है, SDPC मैंबर साढ़े नाल ने, आने वाली जिहड़ी पनीरी है वह सारी दी सारी जिहड़ी है चट्टान वांग मैनू तोरन वास्ते तत्पर ने ते मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ। मैनू कुछ चाहिदा नहीं गा, भाई मैनू कोई लालच है। मैं अकाली दल दे नाल ते बिपता वेले सरदार सुखबीर सिंह बादल दी पिट ते खड़ा होवांगा। जिहड़े ध्यान सिंह डोगरे इन्हां नूं आपो च पाड़दे ने जां गलत सलाहां देंदे ने उन्हां नूं किसे कीमत ते बर्दाश्त नहीं करांगा। उन्हां नूं इन्हां एजेंसियां नूं बादलां दीआं लत्तां खिच्चण तों ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,
ते जिन्हां नूं 5-6 वार पंजाब दे लोकां ने वाकडोर दित्ती है। अज भी मैं समझना वा सेंटर हमेशा ही अकाली दल के खिलाफ रहा वा, अज भी सेंटर मार देना चाहुंदा अकाली दल नूं, ते ओहदियां एजेंसियां कम कर रही हैं, चाहे सेंटर विच मुगलां दा राज है, चाहे कांग्रेस का राज है, तो चाहे किसी होर दा राज है, अज भी वह एजेंसियां जिहड़ियां अकाली दल नूं मारन वास्ते जिहड़ियां तत्पर ने। लंगा जी कहिंदे ने कि माड़े समय च चंगे दा ते माड़े दा पता लगदा, तुहाडे माड़े समय च की कुछ तुहानूं फिर रिहा एक्सपीरियंस माड़े चंगे? मैं माड़े समय में सिर्फ रब दा मैनूं ओट आसरा रहा वा, मैनूं डोलन नहीं दिता, ना मैं कमजोर होया वा, तो मैं हमेशा चढ़दी कला विच रहा वा। और मैं समझना कि जिन्ना मेरा अपने ने नुकसान किया उन्ना मेरी कांग्रेस ने मेरा नुकसान नहीं किया। बैबल कला गोलीकांड के नामजद किया गया प्रकाश सिंह बादल की कहोगे? कोई भी दुनिया का सिख जिहड़ा वा वह गुरु की बेअदबी नहीं कर सकता, ना बेअदबी कहने वाले कोई सलाह दे सकता वा, सुर दे सकता। प्रकाश सिंह बादल नूं रब की मर्जी तो बगैर कोई पिंड का मैंबर पंचायत नहीं बनता, कोई सरपंच नहीं बनता, इन्नी वार मुख्यमंत्री बनाया वा, अजिहा लोग जिहड़े ने ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਲੰਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।